एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 135 एंड 225। हमने छोटी क्लास में पहले भी डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड किया था। देखिए इन दोनों नंबर में हमारा 225 बड़ा है तो मैं 225 को यहां रखूंगा और 135 से डिवाइड करूंगा तो 135 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 225 से ज्यादा नहीं है तो 1 जा जाएगा ये 131 135 बन जाएगा 135 माइनस करेंगे कितना बचेगा 90। अभी देखा हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर हम क्या करते थे इस 90 को तो यहां लिखते थे और ये जो हमारा यहां डिवाइडर होता था ये यहां डिविडेंड हो जाता था तो 90 का टेबल पढ़ेंगे 135 से ज्यादा नहीं है तो 91 जा 90 माइनस करेंगे कितना बचा 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है फिर हम क्या करेंगे अब 45 से डिवाइड करेंगे यहां और 90 को यहां रखेंगे 45 टू जा 90 अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक यही हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है ना आप चाहे तो सिर्फ इतना करके छोड़ सकते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45 या फिर आप थोड़ा स्टेप वाइज भी कर सकते हैं इसे। देखिए यहां पे हमारा 225 क्या था डिविडेंड था तो 225 इक्वल टू किससे डिवाइड किया हमने 135 से और वो कितनी बार गया था क्वेश्चन हमारा आया था 1 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या था 90। ठीक अब हमने किसे डिवाइड किया था 135 को तो 135 इक्वल टू डिवाइडर हमारा क्या था 90 और कितनी बार गया था क्वेश्चन आया था 1 और हमारा 45 क्या बचा था रिमाइंडर बचा था। ठीक अब हमने किसे डिवाइड किया था 90 को 45 से डिवाइड किया था 2 बार आया गया था ये रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 0। सो एचसीएफ इक्वल टू 45 जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है ना उस बार हमारा जो डिवाइडर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। देखिए ये जो स्टेप्स लिए हुए हैं हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हुए हैं a इक्वल टू b क्यू प्लस r वेयर r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो देखिए ये जो स्टेप्स लिए हुए हैं ना ये हमारे इस एल्गोरिथम के लिए हुए हैं ये हमारा a है ये b है ये q है और r है। देखिए यहां पर ये वाला जो टर्म था ना ये हमारा a था ये b और ये q और ये r इस सेकंड वाली जो डिवीजन थी इसमें ये हमारा a था ये b ये q और ये r थर्ड वाले में ये a था ये b ये q और ये r। ठीक है तो जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइडर क्या हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें एचसीएफ फाइंड करना है 196 और 38220 का। देखिए क्लियर है ये वाली नंबर हमारी बड़ी है तो हम इसे 196 से क्या करके डिवाइड करेंगे 38220 196 हमने इसे डिवाइड किया तो 196 का टेबल पढ़ेंगे तो 382 से ज्यादा ना हो जाए तो 196 बन जाए 196 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 में 6 गया 6 यहां पर बचा a 186 बचा। अगला नंबर उतार लेंगे 2 196 का टेबल पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना जाए तो 9 बन जाएगा 96 4 54 99 जाए 81 86 8 कैरी 9 बचा 9 और 8 17 यहां पे माइनस करेंगे 8 बचा 9 और फिर 0 उतार लेंगे 196 फाइव 980 हो जाएगा। देखिए पहली बार में ही हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अगर यहाँ पर कोई हमारा रिमाइंडर बचता तो हम उसे रिमाइंडर से इस वाले नंबर को क्या करते डिवाइड करते तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए हमारे जो स्टेप्स बनेंगे ये हमारा क्या है डिविडेंड है तो मैं इसे लिख रहा हूँ इधर की तरफ 38220 इक्वल डिवाइडर ने किससे किया 196 से मल्टीप्लाई और हमारा क्वेश्चन क्या आया 195 प्लस रिमाइंडर और रिमाइंडर डायरेक्ट हमारा क्या गया 0 आ गया पहली बार में ही 0 आ गया। ठीक है ना जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइडर हमारा क्या हो जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है ना तो लिखेंगे हियर एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220
इक्वल टू 196। जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो मिलेगा इस वाले टर्म में, तो हमारा डिवाइजर हो जाता है HCF। ठीक, थर्ड पार्ट में देखते हैं, हमें दो नंबर गिवन है 867 255। तो हम सबसे पहले 867 को डिवाइड करते हैं 255 से। 255 का टेबल पढ़ेंगे, 867 से ज्यादा ना हो जाए। देखिए, अगर आपको ये टफ लग रहा है कि कैसे डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, तो देखिए आप ऐसे कीजिए कि यहाँ पर हमारा पहला डिजिट ऐसे छिपा लीजिए, यहाँ पर भी पहला डिजिट छिपा लीजिए। अब आप देखिए 25 बचा हमारा, और यहाँ कितना बचा 86। ठीक है ना, तो 25 का टेबल पढ़िएगा, 86 से ज्यादा ना हो जाए, तो 25 3 जा 75 होगा। तो ये जो है नंबर 255 का टेबल 3 बार पढ़ा जाएगा, किससे ज्यादा नहीं होगा वो। 3 की मल्टीप्लाई बाय 6 कीजिए, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस कर दिया तो 102 बच गया। देखिए अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब मैं 255 को डिवाइड करूंगा 102 से, ये जो रिमाइंडर आता वो यहां आ जाएगा। ठीक है ना, ये 255 डिविडेंड हो जाएगा 55। अब मैं 102 से डिवाइड करूंगा 255 को, तो देखिए दो बार जाएगा, टू बार जाएगा, 102 टू जा 204 माइनस करेंगे कितना बचेगा 51। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर दोबारा से मैं 51 से डिवाइड करूंगा 102 को, तो 51 टू जा 102 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना, इसको एल्गोरिथम के स्टेप्स में लिखते हैं। तो देखिए डिविडेंड हमारा क्या है 867, डिवाइडर क्या है 255। ठीक है, क्वोशेंट हमारा कितना था 3, प्लस रिमाइंडर हमारा यहां है कि भाई हमने 255 से डिवाइड किया था, तो क्वोशेंट ये आया था और रिमाइंडर ये हो गया, तब जाकर हमारा 867 आया। तो अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। अगला इसके अगले वाले डिविडेंड को देखते हैं, तो यहां 255 हमारा क्या था, डिविडेंड हमने डिवाइड किससे किया था, डिवाइडर क्या था 102, कितनी बार गया था 2 बार, और हमारा रिमाइंडर बचा था 51। ये अब हमने 102 को डिवाइड किया था, किससे किया था 51 से, और कितनी बार गया था 2 बार, और रिमाइंडर हमारा क्या गया था 0। ठीक है ना, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो हमारा डिवाइडर क्या हो जाता है, HCF हो जाता। लिखेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए कोई भी ऑड इंटीजर हमारी कौन-कौन से हो सकती है, 1 3 5 7 9 जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑड इंटीजर कहलाती है। तो देखिए अगर कोई नंबर हमारी इवन होती है तो उसकी फॉर्म हमारी होती है 2k, 2 मल्टीप्लाई k के कुछ भी हो सकता है। कोई ऑड इंटीजर होती है तो वो इस फॉर्म में होती है 2k+1। ठीक है ना, 2k इसलिए होती है कि k कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। देखिए इस वाले नेचुरल नंबर में 2k लिखा हुआ है, तो 2 की जगह मैं k की जगह हम पुट कर दूंगा, तब कितना आ जाएगा 2। तो एक नंबर क्या आएगी हमारी, इवन आएगी। भाई k की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा 4, तब भी इवन आई। k की जगह मैं 3 नंबर पुट कर दिया तब क्या है 6 आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए हमें इवन नंबर मिलेंगे। तो ये जो फॉर्म होती है 2k, ये हमेशा इवन नंबर को शो करती है, इवन को। अब आप देखिए 2k+1 था, इसमें आप k की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 1 3। ठीक है ना, k की जगह 0 पुट कर देते प्लस 1, तब कितना आ जाता 1 हो जाता। 2 पुट कर दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 2 2 4 1 5। तो आप देखिए आप कुछ भी नंबर पुट कर दीजिए k की जगह, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 2 3 6 और 1 7। तो हमेशा एक हमें क्या मिलेगी, ऑड नंबर मिलेगी। तो 2k+1 जो होती है वो एक ऑड फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, ये ऑड नंबर।
रेशियो करना है इस नंबर में कि ऑड इंटीजर जो की फॉर्म होती है वो 6³ + 1 भी होती है, ठीक है ना। तो इसे इस 6³ + 1 को अगर हम 2k+1 की फॉर्म में लेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन कहते हैं लेकिन मैंने माना कि लेट वो जो नंबर थे वो ए है, लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक, ए कोई एनी इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6। देखिए बी को मैंने 6 माना क्यों, क्योंकि मैं यहां पर डिवाइजर जो होता है वो 6 है। हमारी डिवीजन लेमा क्या होती थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती थी, और वेयर आर जो होता था वो बी से छोटा होता था, जीरो से बड़ा या बराबर होता था। तो यहाँ पर आप देखिए बी की जगह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इस वजह से बी क्या माना, 6 माना। लेट ए कोई एन इंटीजर है जो डिविडेंड है, बी हमारा 6 हो गया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे क्या होता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था। देखिए ए नंबर तो हमारे ऐसे ही इंटीजर, लेकिन हमने बी की जगह क्या माना 6, तो इसकी बी की जगह क्या लिखेंगे 6, क्यू ऐसे आ जाएगा, कोई क्वेश्चन भी बचा होगा, अब प्लस रिमाइंडर आ आया होगा, कोई रिमाइंडर आया होगा, इस तरह से हुआ होगा कि भैया ए को हमने डिवाइड किया था 6 से, तो कुछ क्वेश्चन आया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोई नंबर आई होगी 6q, मैं लिख देता हूँ चलो, माइनस किया होगा तो यहाँ पर हमारा r रख दिया, तो 6q प्लस r के टर्म आया होगा ये, ठीक है ना। और वेयर r जो होगा देखिए वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो 6 से छोटा होगा, डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है, 5 का रिमाइंडर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि भैया r में क्या हो सकती है, तो लिखेंगे r इक्वल टू वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकता है रिमाइंडर, और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है ना, तो वो ये है कि अगर वो 0 होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5 भी। अगर 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे कितने पॉसिबल है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगी, देखिए देन ए इक्वल टू वो जो नंबर हो जाएगी ना ए, तो 6³ + 0 हो जाएगी, इस तरह से नंबर हमारी क्या हो जाएगी 6³ हो जाएगी, ठीक। जैसे अगर हमारा रिमाइंडर 1 है तो हमारी नंबर कितनी हो जाएगी 6³ + 1 हो जाएगी, ठीक। अब मैं इनको डायरेक्ट दिखाते चल रहा हूं, देखिए ये जो 6³ है ना इसे मैं किस तरह से ले सकता हूं, 2 × 3³ भाई, 2 × 3 = 6³ हो गया। अब देखिए ये वाली जो ना क्यू की जगह कुछ भी रख दीजिए नंबर, और ये ना 3 से मल्टीप्लाई ले सकते हैं, हमारा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसे मैंने के मान लिया, क्योंकि ये के है 2k, वेयर k इक्वल टू 3। भाई 3 × q एक नंबर होगा ना, पहली बात है आपको क्यू जो ना एक इंटीजर है, सब इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब होगा कि 1, 2, 3 कुछ भी रख दिया, मैंने 1 रख दिया तो हमारा एक नेचुरल नंबर गया 3, यहाँ पे रखिए 2 × 3 = 6, तब के वाली जो होगी इवन नंबर आएगी। तो ये वाली जो फॉर्म होती है 2k, ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, इवन नंबर की फॉर्म होती है, ठीक। मैंने भी आपको बताया था कि हमें इवन नंबर शो करना तो उसे 2k की फॉर्म में लाना है, 6³ + 1 है। अब देखिए 6³ को मैं कैसे लिखूंगा, 6³ को मैं लिखूंगा 2 × 3³, तो ये कितना हो गया 6³ हो गया प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए इसको मैंने k मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2k + 1, लिख देंगे वेयर k इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब आप देखिए 2k + 1 वाली फॉर्म कौन सी होती है, ऑड होती है, तो इसका मतलब ये हमारी ऑड है, ये वाली जो नंबर है अगर ये 6³ + 1 है तो ये ऑड हो जाएगी, इसका मतलब 6³ + 1 किसे डिनोट करता है, ये ऑड नंबर को शो करता है, ठीक है ना। अब हमारी जो अगली नंबर होगी ना वो हो जाएगी a इक्वल टू 6³ + 2, ठीक है ना। मैं सभी नंबर लिख देता हूँ, देखिए 3 जब रिमाइंडर होगा तो नंबर बचेगा 6³ + 3, 6³ + 4 और लास्ट में हो जाएगा 6
क्यू प्लस फाइव। अब देखिए, अब आपको यह भी पता है कि जैसे कोई नेचुरल नंबर होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पहली अगर ऑड होती है तो दूसरी क्या हो जाती है इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, इस तरह से आती है। तो पहली तुम्हारी इवन हुई थी, दूसरी ऑड हुई है, तो तीसरी इवन ही आएगी। तो 6 क्यू प्लस 2, इसमें से दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो पहले बार एक आपका बचेगा 3 क्यू प्लस 1। तो आप देखिए ये कोई हमारा नेचुरल नंबर आया होगा, 3 क्यू प्लस 1 एक नेचुरल नंबर होगा, तो इस पूरे को मैंने k मान लिया। तो देखिए ये वाली जो हमारी इवन फॉर्म हो जाएगी, वेयर k इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। भैया क्यू की जगह कुछ भी रखिए, मैंने 1 रखा तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो 4 की मल्टीप्लाई उसे करके 4 2 जा 8, तो इवन नंबर ही आएगी। तो आप क्यू की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हमारा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 6 क्यू प्लस 3 है, तो इस 6 क्यू प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 क्यू 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, इस तरह से। अब देखिए इस वाले स्वरूप के दो पार्ट में देखिए, दो टर्म में 2 हमारा कॉमन है, तो कर देगा 3 क्यू प्लस 1, वो हमने इस वजह से लिखा था क्योंकि हमारा इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा और प्लस का वन हमारा ऐसे था। अब देखिए इसे मैं के मान लूंगा तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, और ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, ऑड फॉर्म होती है, वेयर k इक्वल टू 3q प्लस 1। तो इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो नंबर है ये ऑड है। अच्छा 3 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो फॉर्म दिखानी है ना वो सिर्फ 2k प्लस 1 2k ही दिखानी है, क्योंकि हमें ऑड और इवन बतानी है, तो हमने सिर्फ इसमें से 2 ही कॉमन लेंगे, 2k प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या ऑड हो गया। अब देखिए इवन ऑड आपके लिए इवन आएगा, देखिए इन दोनों नंबर में शुरू में देख लीजिए 2 कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा ये पहले टर्म में 3q और यहाँ बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसे मैंने k मान लिया तो हो जाएगा 2k, और ये फॉर्म कौन सी होती है, इवन नंबर की फॉर्म होती है। तो हम लिखेंगे वेयर k इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो भैया ये इवन को शो करेगा, इवन के बाद फिर ऑड आएगा। देखिए 6q प्लस 5 है, तो 6q और 5 में 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो मैं इस 5 को 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा 6q प्लस 4 प्लस 1। अब शुरू के दो टर्म में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे कितना जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया कि प्लस 1, तो ये हमारी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, और हो जाएगी वेयर k इक्वल 3q प्लस 2, ठीक है ना, k हमारे से डिनोट करता है। लास्ट हम लिख लेंगे, सो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 forms an odd number, an odd positive integer। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, an RV contingent of 660 members is to march behind the army band of 32 members, कि 660 members हैं आर्मी के, उन्हें ना 32 members के पीछे मार्च करना है। अब वो इस तरह से करना है, the two groups are to march in the same number of columns, और same number of columns रहने चाहिए हमारे। What is the maximum number of columns in which they can march, और हमें maximum number of columns बताने हैं। आप इस तरह समझिए कि अगर हमारे 12 मेंबर्स हैं और 4 मेंबर के पीछे उन्हें मार्च करना, तो हम उसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 4 मेंबर्स का जो मार्च करेंगे ना, इनके पीछे 12 मेंबर्स को इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो दो दो के क्रम में लगे हुए हैं 4 मेंबर्स, हाँ, तो उनके पीछे 12 नंबर को कैसे खड़े कर सकते हैं, इस तरह से आप देखिए 12 इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें बताने हैं, तो मैक्सिमम जैसे किस केस में हमारे 4 हो जाएंगे, कि भैया 4 के पीछे भी ना 12 इस तरह से खड़े हो सकते हैं, दो दो के पीछे खड़े होते तो 12 इस तरह से भी खड़े हो सकते थे। इस तरह से बताने कि अब इस तरह इस यहाँ समझ रहे हैं, हमने 4 खड़े करे हैं, तो इसी तरह से 32 मेंबर्स खड़े हो रहे हैं ऐसे करके, या तो वो एक लाइन में ही खड़े हो सकते हैं, या फिर 16 16 करके भी खड़े हो सकते हैं इस तरह से दो लाइन में, ठीक है ना, या फिर वो 8 8 खड़े होंगे तो 3 कॉलम में खड़े होंगे, तो फिर उसके पीछे ना 660 हमारे मेंबर्स खड़े होने चाहिए। तो वो मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होगा कि उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहे,
तो ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करने हैं, तो एचसीएफ जो होगा 616 का 32 का वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीनोमियल के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें मुझे फाइंड करना है वो एचसीएफ फाइंड करना है 32 और 616 का। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 616 and 32। एच सी एफ फाइंड करते हैं, डिवाइड कर देंगे हम 616 को, 616 बड़ा है 32 से डिवाइड करेंगे। देखिए 32 टेबल पढ़ेंगे 61 से ज्यादा होते हैं, 32 माइनस करेंगे 926 बचा, कितनी बार दे रहे 39 तो 9 18 1 कह रहे 9 27 28 माइनस करा कितना बच गया 8 बच जाएगा, रिमाइंडर अभी हमारा 0 नहीं आया। अब देखिए इस 32 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 4 32 रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखिए ये जो हमारा a हो जाएगा ना ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो बन सकते हैं ना वो 8 बन सकते हैं, आ रही बात समझ में। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए डिविडेंड हमारे क्या 616 डिवाइडर में किया था 32 से, क्वेश्चन हमारा 19 था और रिमाइंडर कितना बचा था 8। अब हमने किसे डिवाइड किया था 32 को 8 से, 8 4 32 और रिमाइंडर आ गया हमारे लिए, सो एचसीएफ इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने बन सकते हैं 8 बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई नंबर है उसका स्क्वायर वो आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, या तो वो 3m की फॉर्म में रहेगा या 3m+1 की फॉर्म में रहेगा। देखिए कोई नंबर ले लेते हैं स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 का, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर करता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। तो देखिए ये वाला नंबर किस फॉर्म में आ रहा है, ये 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है। देखिए अगर मैं इंटीजर 0 पुट कर दूंगा ना तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ये वाला नंबर देखिए 3m+1 की फॉर्म में आ रहा है, अगर मैं इंटीजर 1 पुट कर दूंगा ना तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है ना वो 3m की फॉर्म में आ रहा है, अगर मैं n की जगह 3 पुट कर दो ना तो 3 का 9 होगा। ये 16 देखते हैं किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है 3m+1 की फॉर्म में, कि अगर मैंने n की जगह 3 5 15 प्लस 1 कर देंगे ना तो देखिए 3 5 15 16। तो हमेशा जितने भी स्क्वायर वाले नंबर होते हैं ना, कोई भी नंबर ले लीजिए, 64 होता है 8 का स्क्वायर होता तो वो किस फॉर्म में आएगा। अब देखिए 3 से डिवाइड करते थे 3 2 6 3 1 3 और प्लस का, देखिए हम 3 से डिवाइड कीजिए 64 को, 3 2 6 4 3 1 3 और 1 रिमाइंडर में जब 1 बचेगा, देखिए 3m+1 तो इस वाली फॉर्म में है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर होता है ना तो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, यही हमें शो करना है। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि कोई वो नंबर a है, लिखेंगे लेट a b any positive integer, positive integer मतलब माइनस में नहीं है वो, पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एंड b इक्वल टू 3। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे क्या होती है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, और यहां से फिर देखिए b क्यू प्लस r तो b की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैंने b को क्या मानूंगा मैं 3 मानूंगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम में लिख सकते हैं। तो देखिए कोई नंबर हमारी ये मानी थी, और इस बार मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं 3 से कर रहा हूं, तो 3 कुछ क्यू बचा होगा क्वेश्चन,
रिमाइंडर आ गया होगा आर, ठीक है ना। वेयर आर जो रहा होगा आप बताइए कि वो कहां से कहां तक रहा होगा, देखो जीरो से तो बड़ा रहा होगा और वो हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है थ्री से। भाई थ्री से मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया ए को, तो भाई यहाँ कोई क्वेश्चन आ गया तो थ्री माइनस करेंगे आर, तो वो आर क्या हो सकता है, तो जीरो हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू हो सकता है, लेकिन थ्री नहीं होगा। डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब आप देखिए जो आर की पॉसिबल वैल्यू है ना वो क्या हो सकती है, सो आर इक्वल टू वन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है रिमाइंडर, और वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। सो तो नंबर हमारी क्या रहेगी, नंबर हमारी सबसे पहले बनेगी, देखिए रिमाइंडर मैंने जीरो को कर दिया कितना हो जाएगा थ्री, ठीक है ना। तो नंबर हमारा थ्री क्यों हो गया, सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लेते नंबर में आगे भी लिख देता हूँ, और अगर हमारा रिमाइंडर आर वन है तो कितनी हो जाएगी नंबर हमारी थ्री क्यू प्लस वन हो जाएगी, अगर रिमाइंडर टू है तो नंबर हमारी थ्री क्यू प्लस टू हो जाएगी। तो अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो नंबर है ना हमारे, तो ये किस फॉर्म में आएंगे, थ्री एम और थ्री एम प्लस वन की फॉर्म आएंगे, इसका स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, ये तो नंबर है, नंबर का स्क्वायर जो होता है वो थ्री एम और थ्री एम प्लस वन की फॉर्म आएगा। सबसे पहले इसे लेते हैं सॉल्व करते हैं, देखिए ए इक्वल टू थ्री क्यू दिया हुआ है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर दिखाना नंबर का, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन क्वांटिटी है, ये तो नंबर है इसका स्क्वायर दिखाना है कि वो 3m की फॉर्म में, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो देखिए a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसे मुझे जो दिखाना ना वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में दिखाना, तो आप खुद देखिए अगर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू का स्क्वायर, 3 जा 9 क्यू स्क्वायर हमारा ऐसा का ऐसे यहां, ठीक है ना। अब ये नंबर हमारी ना कुछ भी हो लेकिन रहेगी एक नेचुरल नंबर है, क्यू की जगह आप कुछ भी पुट कर दीजिए 1 2 3 एक नेचुरल नंबर आएगी, तो मैं इसे इस तरह से मान सकता हूं कि ये भैया हमारी एम है, वेयर एम इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, कि ये जो m है ना हमारी ये इसके बराबर है। आप q की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए 1 पुट कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 3 3, तो एक नंबर रहेगी नेचुरल नंबर रहेगी, तो कुल मिलाकर जो हमारा किसी नंबर का स्क्वायर हो गया, देखो वो किस फॉर्म में आ गया, वो 3m की फॉर्म में आ गया, ठीक। अब देखिए नंबर हमारी एक ये थी, एक दूसरा पार्ट हमारा क्या था, ये वाला कि अगर नंबर हमारी ये हो सकते थे, अब इसे सॉल्व करते a इक्वल टू 3q प्लस 1, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं इसका, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो भाई a स्क्वायर अभी हमारा ऐसे ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q और मल्टीप्लाई 1, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब देखिए मुझे जो फॉर्म लिखना है तो 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1 आना चाहिए, तो देखिए इसमें प्लस 1 आ रहा है तो इसको मैंने अलग लिख दिया, इन दोनों में आप देखिए 9q स्क्वायर और 6q में हमारा 3 कॉमन है, मुझे तो सिर्फ 3 से मतलब कॉमन लेने से 3, क्योंकि 3m प्लस 1 दिखाना है, तो 3 मैंने इन दोनों में लगा हुआ है, तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर पहले टर्म में से, 3 3 9 q स्क्वायर ये रहा, 3 2 जा 6 और q ब्रैकेट में प्लस का 1 मैंने बाहर ऐसे रहने दिया। अब देखिए मैं इसे m लेट कर लेता हूं, अगर आप q के लिए कोई नंबर पुट करेंगे तो एक हमारा नेचुरल नंबर या एक पॉजिटिव इंटीजर है ये, तो 3 मल्टीप्लाई m या इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन है 3m प्लस 1, या किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2। भैया हमने ये शो कर दिया कि पहले तो शो करा कि किसी नंबर का स्क्वायर तो 3m की फॉर्म में है ना, किसी नंबर का स्क्वायर 3m प्लस 1 की फॉर्म में है, अभी नंबर हमारा एक और बचा हुआ वो है 3q प्लस 2, तो इसे भी सॉल्व करते हैं, थर्ड और बचा हुआ नंबर तो लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2, तीनों ही केस लेने में पहला केस दूसरा केस तीसरा केस, अब देखिए स्क्वायर करने दोनों तरफ
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q + 2 इसका स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 3q और मल्टीप्लाई, तो 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 6 6 2 जा 12q। अब आप यहां बड़े ध्यान से देखना 9q स्क्वायर, इस 12q को मैंने पहले लिख लिया, यहां पर ये 4 था, अब मुझे कॉमन क्या लेना है यहां पर 3 लेना है, ठीक है ना, तो ये 4 जो 3 से बड़ा है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 + 1 करके लिख सकता हूं 4। अब आप देखिए शुरू के तीन टर्म देखिए, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो मैं इसे 3 कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा 3 3 = 9 तो 3q स्क्वायर, 3 4 = 12q और 3 1 = 3 प्लस कॉमन। अब आप देखिए अगर मैं इसे m लेट कर लेता हूं, मैं ये m मान लिया मैंने, तो ये 3m + 1, फिर से आप देखिए किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है ना वो 3 + m + 1 की फॉर्म में आ रहा है, इधर वेयर m = 3q स्क्वायर ये वाला नंबर प्लस 4q अब प्लस का, ठीक है। तो भैया फिर से आप देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m + 1 की फॉर्म आ गया, यहां भी स्क्वायर होता 3m + 1 की फॉर्म में था, यहां m की फॉर्म में आया था 3m की फॉर्म में था, तो भाई कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर जो रहेगा या तो वो 3m की फॉर्म में रहेगा या 3m + 1 की फॉर्म में रहेगा, तो यहां पर हमें लास्ट में ही लिखनी है, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8, कि अगर किसी नंबर का क्यूब किया जाए तो वो 9m 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म में आएगा। तो देखिए मीन समझ लेते हैं बेसिकली है क्या है, तो देखिए अगर 1 का क्यूब किया जाए तो वो क्या देगा 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 260, इस तरह से हम किसी के भी नंबर को लिख सकते हैं क्यूब। तो देखिए फॉर्म वाले का मतलब ये है कि जैसे ये बात 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, चलिए 27 ले लेते हैं क्योंकि 9 तो इससे बड़ा आ रहा है, तो 27 मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 3 जा 27 पूरा पूरा कट गया, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए ये जो नंबर है ना ये 3 कुछ भी हो सकता, तो 9m की फॉर्म में आ रहा है ये वाला, मैं 64 लेता हूं, 64 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 9 से, तो 9 से जब डिवाइड करेगा क्या ना तो 9 7 बन जा 63 और यहां कितना बचा 1, इसे आप m की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये वाली जो हमारी फॉर्म है ना तो 9m + 1 वाली फॉर्म है, कि कोई भी जो क्यूब होगा ना वो 9m + 1 की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 9m वाली ये फॉर्म है कि यहां रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा, जैसे 216 को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 2 जा 18 कितना बचा 3 6 9 4 जा 36, तो इसमें फिर दोबारा से रिमाइंडर मार दिया बचा, तो ये 9m की फॉर्म आ गई। कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं 10 का क्यूब करूंगा तो वो आ जाएगा 1000, तो 1000 को डिवाइड करते हैं हम 9 से, 9 बन जा 9 कितना बचा 10, 9 बन जा 9 फिर बचा कितना 109 109, तो फिर दोबारा से यहां पे हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये भी हमारी क्या कौन सी फॉर्म होगी 9m + 1 की, 9 की मल्टीप्लाई किसी चीज से हो रही है किसी नंबर से प्लस 1 होता है, तो इस तरह का कोई और भी नंबर होगा जो क्यूब होगा और 9m + 8 की फॉर्म में आ रहा है, उसमें हमारा रिमाइंडर 8 बच रहा होगा, तो सिर्फ तीन ये फॉर्म ऐसी हैं अगर किसी नंबर का क्यूब करा जाए और उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा 9m में आएगा 9m + 1 में आएगा या 9m + 8 की फॉर्म में आएगा, तो इसे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करना है। तो हम मान लेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं बी थ्री मान रहा हूं, ठीक है ना, मान तो नाइन ले सकते हैं क्योंकि जो हमारे इंप्लीट डिवीजन लेम होते हैं ना तो वो क्या होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ना वो नाइन में दी हुई है, मतलब बी की जगह क्या आ रहा है नाइन आ रहा है, लेकिन थ्री से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये माना सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा जो नंबर हमारा हो जाएगा ना ए वो क्या हो जाएगा बी से हम डिवाइड कर रहे थे तो बेसिकली बी क्या हमारा थ्री क्यू प्लस आर ये नंबर हो जाएगा और आर क्या रहेगा जीरो से बड़ा रहेगा और थ्री से छोटा रहेगा क्योंकि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं थ्री से डिवाइड कर रहे हैं नंबर को और थ्री से डिवाइड करने का मतलब ये है कि वो जो रिमाइंडर है वो थ्री से ज्यादा छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो आर रहेगा ना रिमाइंडर वो या तो जीरो होगा या वन होगा या फिर टू हो सकता है। भाई थ्री से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना तो हमारा रिमाइंडर जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री नहीं होगा, ठीक। तो हमारे जो नंबर होगी वो क्या होगी सो ए वो नंबर अगर रिमाइंडर हमारा जीरो है तो आर के लिए जीरो पुट कर दीजिए नंबर हो जाएगी हमारे थ्री क्यू, अगर रिमाइंडर वन है तो नंबर हमारी हो जाएगी थ्री क्यू प्लस वन और अगर हमारा रिमाइंडर टू है तो नंबर हो जाएगी थ्री क्यू प्लस का टू। तो तीन नंबर हमारे पॉसिबल है ये बात। अब हमें दिखाना है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस नंबर का क्यूब शो करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम पहला वाला केस ले लेते हैं ये केस वन, तो ये है a इक्वल टू थ्री क्यूब, तो हमें क्या करना है क्यूब करना है a का क्यूब शो करना है। तो कर रहे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो देखिए a का क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा थ्री क्यूब का क्यूब, थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और क्यूब का क्यूब हो जाएगा क्यूब की पावर 3। अब इसे मुझे देखिए 9n+1 या 9n+8 की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसमें से 9 कॉमन आ गया तो 9 मैंने कॉमन लिया, तो मैं इसे इस तरह से ले सकता हूं 9 × 3q³ इस तरह से। अब ये नंबर हमारे कुछ भी हो लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा एक नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है ना a³, तो a³ इक्वल टू देखिए 9m हो जाएगा, इसे मैंने m मान लिया वेयर m इक्वल टू 3q² 3q³। तो देखिए किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है ना a की पावर नंबर a का उसका क्यूब 9n की फॉर्म में आ गया, ये पहला शो कर दिया हमने। अब देखिए दूसरा पार्ट शो करते हैं केस टू, केस टू में हमसे कहा गया था कि जो नंबर है ना वो 3q+1 है, अब हम दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए a का क्यूब कितना हो जाएगा a की पावर 3 और इधर हो जाएगा 3q+1 का। अब ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, पहले वाले टर्म की पावर 3 प्लस दूसरे वाले टर्म की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म की तो पावर 2 और दूसरा टर्म ऐसे ही प्लस और फोर्थ टर्म आता 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म ऐसे और दूसरे वाले टर्म की पावर 2, ये हमारा a प्लस बी क्यूब होता है। तो देखिए ये तो एक क्यूब हमारा ऐसे रहा इक्वल टू पहला वाला टर्म क्या 3q तो 3q की पावर 3 प्लस दूसरे वाले टर्म की भी पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म की तो पावर 2 हो जाएगी 3q की पावर 2 3 मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म की पावर 2 मल्टीप्लाई दूसरा वाला टर्म ऐसे रहा प्लस इसके आगे प्लस कर रहा है नीचे लिखा होगा 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म ऐसे रहेगा 3q और दूसरे वाले टर्म की पावर। तो 3q+1 का क्यूब जो होगा ना वो ये सॉल्व करके आएगा हमारा पहले वाले टर्म की पावर 3 प्लस दूसरे वाले टर्म की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई पहले टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला टर्म ऐसे और दूसरे वाले टर्म की पावर 2। सॉल्व करते हैं इसे देखिए a की पावर 3 3q की पावर 3 कितना हो जाएगा 27q की पावर 3 1 का क्यूब 1 प्लस 3q का स्क्वायर करना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके हमारा ये आएगा 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दिए 1 3 आएगा 3 की मल्टीप्लाई इसी होनी है सर 3 9 का 27q² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3q से तो कितना हो जाएगा 9q
ठीक। अब आप देखिए ए क्यूब ये वाला प्लस वन ना सबसे लास्ट में लिख दीजिए, शुरू के तीन टर्म जो है ना ये वाले जिसमें क्यू आ रहा ये हमने शुरू में लिख दिए, वो इस वजह से लिखे क्योंकि वन ना वन कॉमन नहीं आया नाइन से, ठीक है ना। इन तीनों टर्म में शुरू वाले में आप देखिए नाइन कॉमन है, नाइन ब्रैकेट में चले गए थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस का वन। अब आप इसे बड़े ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा हमारा नाइन एन प्लस वन, ये वाला जो टर्म है ना ये हमारा एन के इक्वल हो गया। तो ये वाले हमारे फॉर्म कौन से हैं, किसी भी नंबर का क्यूब नाइन एन प्लस वन की फॉर्म में होता है, ठीक। लिख देंगे वेयर एन इक्वल टू थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर और प्लस का ये हो गया, ठीक। अभी हमारा नंबर एक और है थ्री क्यू प्लस टू, लिखेंगे केस थ्री ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, फिर से हम क्यू कर रहे हैं क्यू ऑन बोथ साइड्स, तो भैया ए की पावर तीन हो गई, टू क्यू प्लस टू का क्यूब हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा हमारा ए प्लस बी का क्यूब। तो ये ए क्यूब तुम्हारे इधर रहता है, पहले वाले टर्म की पावर तीन प्लस दूसरे वाले टर्म की पावर तीन प्लस थ्री मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म की पावर दो, तो थ्री क्यू की पावर दो मल्टीप्लाई दूसरा टर्म प्लस थ्री मल्टीप्लाई पहला टर्म, तो ऐसे रहा थ्री क्यू और इस बार किसका स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा थ्री क्यू की पावर थ्री, तो थ्री की पावर थ्री ओवर ट्वेंटी सेवन और क्यू की पावर थ्री, टू का क्यू कितना हो जाएगा एट, इसे सॉल्व करते थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन टू का स्क्वायर टू स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई किस तरह थ्री से और एक दूसरे से जोड़िए, तो थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन टू या फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर ऐसा वैसे ना प्लस टू का स्क्वायर कितना जगह फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री या थर्टी सिक्स एन क्यू, तो ए क्यू हमारा ये हो जाएगा। इन सभी में से मैंने जो ये वाले टर्म है ना ये शुरू में लिख लीजिए ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू प्लस फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स क्यू प्लस एट, शुरू के तीन टर्म में आप देखिए नाइन कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ लिया नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन क्यू क्यू नाइन सिक्स या फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर नाइन फोर या थर्टी सिक्स और यहाँ बचेगा क्यू प्लस का एट। आप देखिए नाइन एम प्लस एट, तो प्लस एट तैयार हूँ इसे मैं क्या मानूंगा एम प्लस एट, तो किसी भी नंबर का क्यू नाइन एम प्लस एट की फॉर्म में भी आता है, वेयर एम इक्वल टू थ्री क्यू क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू, इस तरह से। तो आप देख लीजिए किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है या तो वो नाइन एम की फॉर्म में आ रहा है, किसी नंबर का क्यूब नाइन एम प्लस वन की फॉर्म में आ रहा है और किसी नंबर का क्यूब नाइन एम प्लस एट की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब जो क्यूब होता है ना तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, इन तीनों फॉर्म में आ सकता है। तो लास्ट में हमें लाइन वो लिखनी है, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म नाइन एम, नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट।